बिहार में दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान होने हैं। जी हां, ऐसे में दूसरे चरण के लिए प्रचार थमते ही सभी राजनीतिक पार्टियां तीसरे और अंतिम चरण की तैयारियों में जुट जाएगी। जी हां, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में ताबड़तोड़ 4 रैलियां की थी। इसे लेकर राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन पर तंज कसा है। जी हां, उनका कहना है कि यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। उन्होंने महंगाई को लेकर भी तंज कसा है। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य में 60% युवा है, उन्हें युवा का वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पलटू राम करार दिया है। जी हां, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। जी हां, महंगाई और खास तौर से सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया और लिखा कि पियजवा अनार हो गई बा। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने ये सारी बातें नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेती कही। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि चाहे वो कांग्रेस के हों या राजद के, वे केवल लोगों को धोखा देना जानते हैं। वे समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर विभाजित करते रहे हैं लोगों को एकजुट करने के लिए। उनसे कभी उम्मीद ना करें। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टाइम भोजपुरी से सुरभि की रिपोर्ट।